वायरल वीडियो में जिस तरह से चालक सरबजीत कृपा निकाल पुलिस कर्मियों से बात कर रहा है और गुस्सा दिखा रहा है, उससे बाद में जिस तरह पिसी पिटाई की जा रही है, ये एक पहलू है। सूत्रों के मुताबिक इससे पूर्व सरबजीत में वीडियो में मौजूद पुलिस कर्मियों ने रिश्वत मांगी थी जो उसने नहीं दी, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। करीब आधे घंटे तक मुखर्जी नगर में मेन रोड पर चालक को पुलिस पीटती रही। इस दौरान चालक को कोई लाठी से मार रहा था, कोई डंडे से लात घूसे मार रहा था। बीते रविवार को एक ऑटो चालक की पिटाई के बाद से राजनीति मंच हो गया और फिर सोशल मीडिया दोनों पर ही दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक और उनके शीर्षाधिकारी निशाने पर आ गए। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिख समुदाय ने जिस तरह से पुलिस वर्दी को निशाने पर लिया, उससे साफ जाहिर है कि दिल्ली पुलिस ने जिन हालतों में ग्रामीण सेवा चालक सरबजीत सिंह की पिटाई की है वो पूर्णतः गलत है। मामले में जहां 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित है, वो एक एसपी कैगी अस्पताल में है। एडीजी नॉर्थ वेस्ट विजयकांत आर्य सिंह, जिन्हें सिंगम भी कहा जाता है, वो एक वायरल वीडियो में किस तरह लोगों के बीच गिड़गिड़ाते हुए अपने महकमे की गलती स्वीकार कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले में सोमवार को सरबजीत और घायल एसएसपी संजय मल्लिक की शिकायत पर एक क्रॉस एफआईआर हो चुकी है। पीएम न्यूज 24 की रिपोर्ट।